हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज के वीडियो में हम फूड एंड न्यूट्रिशन का एक टॉपिक, जो फूड ग्रुप्स टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये सेकेंड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था उसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। उसमें हमने किया था कि फूड क्या होता है, और WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन हमने की थी। फूड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं हेल्थ के, पॉपकॉर्न को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से फूड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड फंक्शंस क्या होते हैं फूड के, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और सारे फंक्शंस पढ़े थे, एंड हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स, कि कितने फूड ग्रुप्स हैं, बेसिक फोर कौन से हैं, फाइव में क्या आता है, सेवन में क्या आता है। और आज की वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब खाना फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग तो डिवाइडेड होता है, बेसिक फोर, बेसिक फाइव एंड बेसिक सेवन फूड ग्रुप्स में, लेकिन फूड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज पे डिवाइड होता है। और वो दो सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें खाना मिलता है, एक होता है वेजिटेबल सोर्स और एक होता है एनिमल सोर्स। वेजिटेबल फूड्स और एनिमल फूड्स में क्या क्या आता है? वेजिटेबल फूड्स में आते हैं हमारे सीरियल्स, जैसे कि गेहूँ हो गया, आटा, वीट, और क्या हो गया, राइस फ्लोर, ये सारा का सारा सीरियल्स में आ गया। मिलेट्स भी इसमें आ जाते हैं, पल्सेस, नट्स हमें मिलते हैं, जैसे अखरोट, बादाम एंड ऑयल सीड्स, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स जैसे कि पोटैटो एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दूसरे वेजिटेबल्स जो होते हैं, वो सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें मिलते हैं फ्रॉम प्लांट्स, और ये होते हैं हमारा वेजिटेबल फूड्स, वेजिटेबल सोर्स ऑफ फूड। अगला जो सोर्स है वो है एनिमल फूड्स। एनिमल फूड्स में हमें क्या क्या मिलता है एनिमल्स से? हमें उनसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि मिल्क से ही मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उसके बाद मीट, फिश, एग्स, सब कुछ हमें एनिमल से मिलता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सीरियल्स की। तो सीरियल्स कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सीरीज से। सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स मेजर सोर्स होता है एनर्जी गिविंग फूड्स का। इन वीडियोस में जो हम कर रहे हैं होम साइंस से, जो होम साइंस की ये वीडियोस हैं सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम इन वीडियोस में पढ़ेंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, जो कि एक्सप्लेनेशन होती है बहुत ज़्यादा और वो किसी काम की नहीं होती है। तो जो जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम इन वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो सीरियल्स मेजर सोर्स किसका होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स का होते हैं। और ये क्या कंटेन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, सीरियल्स से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स और मिनरल्स मिलते हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए कि सीरियल्स जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो सीरीज से डिराइव हुआ है। और सीरियल्स किसका मेजर सोर्स होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स का। और फंक्शंस ऑफ फूड्स हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने एनर्जी गिविंग फूड्स के बारे में भी पढ़ा है। और बेसिकली सीरियल्स क्या क्या कंटेन करते हैं, जब हम आप कॉर्न फ्लोर ले लो या वीट फ्लोर ले लो या राइस फ्लोर ले लो, उनसे हमें क्या क्या मिलता है? उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। ये फाइव के फाइव न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? फाइव टाइप्स के होते हैं, और ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और ये ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे सीरियल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। बहुत जो फाइन सीरियल्स होते हैं ना, बहुत बारीक जो सीरियल्स होते हैं, वो होते हैं राइस और वीट। और जो थोड़े से खुरदुरे कुआर सीरियल्स होते हैं, वो होते हैं बाजरा, रागी, ज्वार। और कुआर सीरियल्स को हम मिलेट्स भी बोलते हैं। तो मिलेट्स और सीरियल्स में हमें कंफ्यूज नहीं होना होता है, बेसिकली मिलेट्स भी सीरियल्स ही होते हैं, लेकिन फाइन सीरियल्स को हम नॉर्मल सीरियल्स में ले लेते हैं, लेकिन जो थोड़े कुआर सीरियल्स होते हैं उनको हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है और वो है मिलेट्स। तो बाजरा, रागी, ज्वार, इन सबको हम मिलेट्स बोलते हैं।
उसके बाद में ट्रेडिशनल इंडियन वेराइटी ऑफ व्हीट सूटेड फॉर चपातीस, जो इंडियन वेराइटी जो वीट है, गेहूं है, चपातीस के लिए जो सूटेबल होता है वो होता है शरबती एंड बंसी। तो कौन सा ऐसा ट्रेडिशनल इंडियन वेराइटी ऑफ वीट है जो कि चपातीस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, ये नाम याद रखना ज़रूरी है। ये होते हैं शरबती एंड बंसी। उसके बाद में वीट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स का वीट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बासमती, तिलकचंद, हंसराज वेराइटीज़ हैं राइस की विद लॉन्ग ग्रेन एंड फ्रेग्रेंस। तो जो सबसे अच्छी वेराइटीज़ हमें मिलती हैं वीट की वो है शरबती एंड बंसी, और राइस की जो मिलती हैं वो है बासमती, तिलकचंद एंड हंसराज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि राइस शुड बी एन ईयर ओल्ड फॉर बेटर कुकिंग। अगर आपको बेटर कुकिंग के लिए राइस चाहिए तो वो एक साल पुराना हो तो बहुत अच्छा होता है। पारबॉयल्ड राइस का एक एडवांटेज होता है कि जो पारबॉयल्ड राइस होते हैं उनमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन प्रेजेंट होते हैं। मिलेट्स जो कि ज्वार, रागी एंड बाजरा जिसको हम मिलेट्स कहते हैं आर कल्टिवेटेड ऑन पुअर सॉइल। ये पुअर सॉइल पे कल्टिवेट होते हैं एंड वहाँ कल्टिवेट होते हैं जहाँ बहुत इनफ रेन अवेलेबल नहीं होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसलिए हम मिलेट्स को ड्राई क्रॉप्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मिलेट्स एक तो कल्टिवेट कौन से सॉइल पे होते हैं, पुअर सॉइल पे होते हैं, और कैसी जगह पे होते हैं जहाँ पे इनफ रेनफॉल नहीं होती है। और ड्राई क्रॉप्स हम किनको बोलते हैं, हम मिलेट्स को ही बोलते हैं। और मिलेट्स को हम और क्या बोलते हैं, इनको हम ग्वार सीरियल्स भी बोलते हैं जिसमें हमारे पास में रागी, ज्वार एंड बाजरा आ जाता है। रागी क्या है, रागी किसका एक्सीलेंट सोर्स है, कैल्शियम का। तो जो पारबॉयल्ड राइस हैं उनका क्या एडवांटेज है कि उनमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं और राइस एक एक्सेलेंट सोर्स है कैल्शियम का। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा सीरियल या मिलेट फॉलोइंग में से बेटर या एक्सेलेंट सोर्स है कैल्शियम का तो वो होगा रागी। उसके बाद हमारे पास पल्सेस आर द मेन सोर्स। अब पल्सेस से हमें क्या मिलता है, पल्सेस तो हमें पता है दालें होती हैं, हर एक तरह की दालें पल्सेस में आ जाती हैं और पल्सेस मेन सोर्स होते हैं। हम बोलते हैं ना कि दाल खाओगे तो प्रोटीन होता है, दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा। तो दालें मेन सोर्स होती हैं प्रोटीन की और साथ में ये और भी कुछ देती हैं हमें, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हमें इनसे मिलते हैं, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ पल्सेस प्रोटीन का ही सोर्स नहीं होते हैं, उनसे हमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, आयरन एंड कैल्शियम भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैट्स एंड ऑयल्स हेल्प इन हेल्दिंग फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। क्यों, क्योंकि इनमें फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। हम बोलते हैं ना हमें ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए, ऑयल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अनहेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन थोड़ी क्वांटिटी हमारी बॉडी को इसकी चाहिए ही होती है, आप एकदम से फैट या ऑयल स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनमें फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे सोयाबीन ऑयल है उसका कलर देख लेते हैं हम, थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है, राइस ब्रान ऑयल थोड़ा रेडिश कलर का होता है और कॉटन सीड ऑयल थोड़ा डार्क इन कलर होता है। उसके बाद रूट्स एंड ट्यूबर्स के बारे में हम देख लेते हैं, ये भी हमारा वेजिटेबल सोर्स ही है। रूट्स एंड ट्यूबर्स किस में रिच होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं एंड से कुछ अमाउंट, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन सी भी इनमें होती है। सो जो रूट्स एंड ट्यूबर्स हैं ये किस में रिच होते हैं, ये भी याद रखना ज़रूरी है। तो ये कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं और साथ में क्या कंटेन करते हैं, विटामिन सी सिग्निफिकेंट अमाउंट में। याम्स किस में रिच होते हैं, कैरोटीन में। और याम्स क्या होता है, याम्स होते हैं रतालू या जिमीकंद को याम्स बोला जाता है और ये कैरोटीन में रिच होते हैं, इनमें कैरोटीन होता है। टेपियोका क्या सर्व करता है, एक एमरजेंसी या फेमाइन फूड की तरह सर्व करता है जब सीरियल की शॉर्टेज होती है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, ये आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हमने अभी बात की टेपियोका की, तो टेपियोका क्या करता है, एक एमरजेंसी या फेमाइन फूड की तरह एक्ट करता है जब सीरियल की शॉर्टेज हो जाती है। नट्स क्या कंटेन करते हैं, ये प्रोटीन कंटेन करते हैं ऑफ हाई क्वालिटी। हम बोलते हैं ना बादाम खाओगे प्रोटीन मिलता है,
तो प्रोटीन तो इनमें नट्स में सब में होता ही है, और ये कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। अगर आप खाते हैं नट्स तो आपको इनसे भरपूर एनर्जी भी मिलती है। नट्स, ड्राइड बीन्स जो सूखे हुए बीन्स होते हैं, मटर होते हैं, या पियर, नाशपाती होता है, उसके सिमिलर ही नट्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। उसके बाद है लीफी वेजिटेबल्स। किसका बेटर सोर्स होते हैं? लीफी वेजिटेबल्स में मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, आयरन एंड कैल्शियम भी हमें उनसे मिलता है। थिन ग्रीन लीव्स, जो पतली पतली ग्रीन लीव्स होती हैं, एंड द आउटर लीव्स ऑफ लेटस, सैलेड की जो आउटर लीव्स होती हैं, एंड कैबेज की, गोभी की, आर यूजुअली हायर इन कैल्शियम एंड आयरन। उनमें कैल्शियम एंड आयरन बहुत ज़्यादा होता है। देन द इनसाइड वाइट लीव्स, जो उनके अंदर वाइट कलर के पत्ते होते हैं, उनसे ज़्यादा कैल्शियम और आयरन उनकी बाहर की पतली पतली ग्रीन लीव्स में होता है। फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स राइपेंड ओवरी या ओवरीज होते हैं फ्लावर के। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने ये पढ़ा कि रूट्स एंड ट्यूबर्स किस में रिच होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ वो क्या कंटेन करते हैं? विटामिन सी सिग्निफिकेंट अमाउंट में। याम्स, जिनको हम रतालू या जिमीकंद भी कहते हैं, वो किस में रिच होते हैं? कैरोटिन में। और टेपियोका क्या फंक्शन सर्व करता है? एक एमरजेंसी या फेमाइन फूड का फंक्शन सर्व करता है जब सीरियल की शॉर्टेज हो जाती है। और जो नट्स होते हैं वो प्रोटीन कंटेन करते हैं और वेरी हाई क्वालिटी, एंड आर कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। नट्स सिमिलर होते हैं ड्राइड बीन्स और पेयर्स की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उनसे। एंड जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो बेटर सोर्स होते हैं हमारे मिनरल्स, विटामिन्स एंड आयरन एंड कैल्शियम का। जो पतले पतले थिन ग्रीन लीव्स होते हैं, सैलेड के जो लीव्स होते हैं या कैबेज के लीव्स होते हैं, उनमें कैल्शियम आयरन भरपूर मात्रा में होता है एज़ कम्पेयर टू द वाइट लीव्स जो इनसाइड होते हैं। उसके बाद में फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स राइपेंड ओवरी या ओवरीज होते हैं किसी फ्लावर के। फ्रूट्स पुअर सोर्स होते हैं प्रोटीन और फैट्स का। कभी भी हमें फ्रूट से प्रोटीन या फैट्स नहीं मिलते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं फाइबर्स का। मैंगोज़ जो हैं वो एक्सीलेंट सोर्स होते हैं कैरोटीन का। गुआवा जो है वो बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। गुआवा से हमें विटामिन सी मिलता है, इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। मैंगोज़ आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैरोटीन। और कैरोटीन हमें किससे मिलता है? कैरोटीन हमें याम से भी मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो एप्पल्स, पियर्स, चेरीज, ग्रेप्स एंड सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो फ्लेवोनॉइड्स कंटेन करते हैं, और ये फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स बहुत अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन सी का। कमर्शियल फ्रूट ड्रिंक्स होती हैं जो बाज़ार में मिलती हैं, या लेमनॉइड या ऑरिगेंडे ऑरिगेडे डू नॉट कंटेन एनी विटामिन सी एट ऑल। अगर आप ये सोचते हो कि जो बाज़ार में आपको फ्रूट ड्रिंक्स मिलती हैं उनमें भी विटामिन सी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनमें कोई विटामिन्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं एट ऑल, विटामिन सी उनमें नहीं होता है। जो ड्राइड फ्रूट होते हैं जैसे कि रेजन्स, जिनको हम किशमिश बोलते हैं, डेट्स, खजूर, फिग्स, अंजीर एक्सेट्रा, ये हमें कैलोरीज प्रोवाइड कराते हैं, साथ में इनमें शुगर भी होती है तो ये स्वीटेंड भी होते हैं। प्रूनस एंड ड्राइड एप्रिकोट्स, जो प्रूनस होते हैं सूखा आलू बुखारा, और एप्रिकोट्स जो ड्राइड एप्रिकोट्स होते हैं खुबानी, ये विटामिन ए कंटेन करते हैं। हर्ब्स एंड स्पाइसेस आर ऑल्सो नोन एज फूड एसेसरीज। जो हर्ब्स और स्पाइसेस हम डालते हैं ना खाने में, खाने को थोड़ा फ्लेवरेबल बनाने के लिए, उसमें फ्लेवर लाने के लिए, उनको हम फूड एसेसरीज भी बोलते हैं। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि जो फ्रूट्स होते हैं, एक तो फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स राइपेंड ओवरीज होते हैं या ओवरी होती है एक फ्लावर की। और फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स बहुत पुअर सोर्स होते हैं प्रोटीन और फैट्स का, लेकिन वो फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। मैंगोस कैरोटीन के एक्सीलेंट सोर्स होते हैं। गुआवा बेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का। एप्पल्स, पियर्स, चेरीज, ग्रेप्स और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करते हैं। बहुत जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उन वो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन सी का।
कमर्शियल फ्रूट ड्रिंक्स में विटामिन सी किसी भी रूप में प्रेजेंट नहीं होता है। जो सूखे हुए ड्राइड फ्रूट्स होते हैं जैसे रेजन्स, डेट्स, फिग्स एक्सेट्रा, ये शुगर को कंटेन करते हैं एंड कैलोरीज भी प्रोवाइड कराते हैं। प्रूनस एंड ड्राइड एप्रिकॉट्स जो होते हैं इनमें विटामिन ए होता है। और हर्ब्स और स्पाइसेस को हम फूड एक्सेसरीज भी बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मोस्टली यूज़ हर्ब्स जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सी होती हैं। मिंट लीव्स होती हैं, कोरिएंडर लीव्स होती हैं, करी लीव्स होती हैं, सोया लीव्स होती हैं, ये सब हम यूज़ करते हैं इन डे टू डे लाइफ विच आर रिच इन। और ये सारी के सारे हर्ब्स किस में रिच होते हैं, कैरोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन सी में। बिवरेजेस जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो हमारे को रिफ्रेश कर देता है और हमारी फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी को भी फुलफ़िल करने में मदद करता है। और दो बिवरेजेस हैं, एक है टी और दूसरा है कॉफ़ी। इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो टी के हैं वो हैं टैनिन एंड कैफिन। एंड जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉफ़ी के हैं वो है कैरेमलाइज कार्बोहाइड्रेट, टैनिन, कैफीन, ऑयल्स, फैटी सब्सटेंसेस एंड कैफियोल। एयरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है ना, जैसे कोका कोला, जिनमें इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सैक्रिन होता है जो एक स्वीटनर की तरह काम करता है एज अलॉन्ग विद शुगर। एंड एसिडिक मटेरियल भी इन ड्रिंक्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स ब्लेंडेड विद ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। एयरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हमें ज़ीरो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि जो कमर्शियल ड्रिंक्स होती हैं उनमें बिल्कुल भी विटामिन सी या कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट होता है। ये हमें ज़ीरो न्यूट्रिएंट देते हैं लेकिन हमें कुछ कैलोरीज दे देते हैं क्योंकि इनमें शुगर प्रेजेंट होती है। तो मोस्टली हर्ब्स जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, करी लीव्स, सोया लीव्स। और ये किस में रिच होते हैं, रिच होते हैं कैरोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन सी में। बिवरेजेस क्या करते हैं, हमारे फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी को फुलफ़िल करते हैं। और दो बिवरेजेस हैं टी एंड कॉफ़ी। एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स टी के हैं टैनिन्स एंड कैफीन, एंड कॉफ़ी के हैं कैरेमलाइज कार्बोहाइड्रेट, टैनिन, कैफीन, ऑयल्स, फैटी सब्सटेंसेस एंड कैफियोल। एयरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड, सैक्रिन होता है, सैक्रिन होता है, एंड इनमें फॉस्फोरिक एसिड फ्लेवरिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये हमें बिल्कुल भी, और इसमें ब्लेंडेड होते हैं विद ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल लेकिन ये हमें ज़ीरो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, बस हमें थोड़ी सी कैलोरीज देते हैं क्योंकि इनमें शुगर प्रेजेंट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सैफ्रॉन जो कि हमारा केसर होता है वो एक लग्जरी कमोडिटी है, एंड 1,00,000 थ्रेड्स ईल्ड करती हैं अ पाउंड ऑफ सैफ्रॉन को, दैट इज़ 2.5 kgs। और ये कहना क्या होता है, ये तो एक पिज़्ज़ा हब है तो हम सबको पता ही है, इज़ अ मेम्बर ऑफ अ मिंट फैमिली का ये मेम्बर है। कार्डेमोम इलायची होती है, इसको हम क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं। तो ये पता होना ज़रूरी है कि क्वीन ऑफ स्पाइसेस हम किसको बोलते हैं, कार्डेमोम को बोलते हैं। मिल्क क्या है, मिल्क एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है और यहाँ से अब हमारे शुरू हो रहे हैं एनिमल जो फूड्स हैं, वो जो एनिमल सोर्स से हमें फूड मिलते हैं। तो जो सैफ्रॉन है, जो केसर होता है, वो एक लग्जरी कमोडिटी होती है और वो 1,00,000 थ्रेड्स जो हैं उसकी एक पाउंड बनाते हैं। एंड ओरिगेनो जो है वो एक पिज़्ज़ा हर्ब है एंड वो मेंबर है मिंट फैमिली का। और कार्डेमोम जिसको हम इलायची बोलते हैं हिंदी में, वो क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहलाती है। अब हम शुरू करते हैं हमारा जो एनिमल फूड्स हैं वो। पहला है मिल्क। मिल्क क्या होता है, मिल्क एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, इसमें लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी इसमें डिजॉल्व होते हैं। टू मेन सोर्सेज हैं मिल्क के हमारी कंट्री में, एक तो हमें ये काउस से मिलता है एंड बफेलोस से मिलता है, लेकिन गोट मिल्क भी यूज़ होता है और उसको मेडिसिनल वैल्यू के लिए जाना जाता है। कैरोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के येल्लो कलर ऑफ मिल्क फैट के लिए। कई बार हम देखते हैं ना कि हमारे दूध के ऊपर मलाई जम जाती है और वो पीले रंग की होती है, वो पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि देयर आर टू इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं इन प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं ना मिल्क की, तो उसके के अंदर दो
इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइजिंग, दूसरा होता है पैश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो दो स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क में? दो। और वो दो स्टेप्स के नाम क्या है? स्टैंडर्डाइजिंग एंड पैश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अब पहला है हमारा स्टैंडर्डाइजिंग। इन दिस मेथड क्रीम इज आइदर एडेड टू द मिल्क और अ बिट ऑफ इट इज़ रिमूव टू एंश्योर दैट द मिल्क सप्लाइड वुड बी ऑफ आइडेंटिकल कॉम्पोजिशन एवरी डे। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्डाइजिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें या तो थोड़ी सी जो क्रीम होती है मिल्क की, या तो उसको मिल्क में ऐड कर दिया जाता है या मिल्क से निकाल दिया जाता है, ताकि एवरी डे जो कॉम्पोजिशन है मिल्क का वो सिमिलर रहे। पैश्चराइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मिल्क को गर्म करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, ताकि जितना भी उसके अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, वो ख़त्म हो जाएं, विच आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोसेसिंग मिल्क। हम उबालते हैं मिल्क को, वो हमारा पैश्चराइजेशन ऑफ मिल्क कहलाता है। पैश्चराइजेशन मतलब यही है कि हम दूध को फटने से उबालते हैं ताकि दूध फटे नहीं, इसलिए हम उसको 2-3 बार उबाल के रखते हैं घर में, जिससे कि वो नॉर्मल रहता है। और स्टैंडर्डाइजिंग का मतलब है कि हम जो मिल्क होता है उसमें से थोड़ी सी क्रीम निकाल देते हैं या उसमें ऐड कर देते हैं कि जो हमारा रोज़ाना दूध का जो कॉम्पोजिशन है वो एक जैसा रहे। उसके बाद हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स की। मिल्क प्रोडक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो फर्मेंटेड होते हैं और एक नॉन फर्मेंटेड होते हैं। 30-50% ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री इज़ कन्वर्टेड टू मिल्क प्रोडक्ट्स। हमारी कंट्री के अंदर जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है ना, जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उसका 30-50% मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो अब इसके बाद हमारा जो फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और जितने भी हमारे अभी एनिमल फूड्स बाकी हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।